मॉर्निंग मैं महक थी, मैं बाबा दीप सिंह कॉलेज विच अर्ली चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंट हाँ, और साढ़े नाल अज स्टूडेंट है अमनदीप, और अक्सर इदा वर्गे होर भी स्टूडेंट्स सानू पुछते रहते हैं कि स्पैशल चाइल्ड चिल्ड्रन दे विच ते उन्हां दी डिजीज़ बारे पुछते मेजर और माइनर स्पैशली थैलासीमिया बारे, और असी इहदे बारे पुछना चाहवांगे सरदार डॉक्टर जे एस भल्ला ने इत्थों दे समाज सेवक ने कॉलेज के और नाल ही हैगे ने बाबा दीप सिंह कॉलेज के मैनेजिंग डायरैक्टर डॉक्टर हरप्रीत सिंह अरोड़ा, और ये सानू अज पहला थैलेसीमिया बारे दसेंगे। सब तो पहला मैं स्टूडेंट्स को पूछना चाहूँगी कि अजकल ये अवेयर है ने ये डिजीज़ बारे या नहीं, थैलेसीमिया बारे थैलेसीमिया के दो पार्ट्स होंगे ने मेजर और माइनर। माइनर के लिए की होंगे कि जो एक कपिल हैगा उन्होंने विच उन्होंने कोई प्रॉब्लम आती ये कोई साइंस नहीं होंगे है मतलब कि कोई एक बीमारी नहीं हैगी ये कोई साइंस नहीं होंगे। जोड़ा मेजर होंगे वो आप 15 to 20 दिन के हर मंथ पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पैंता है, तो वो 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 एज होंगी 20 तक, तो मतलब ये प्रॉब्लम होंगे ये ज़्यादा चांसिस होंगे ने कि उन्होंने माइनर जो कपिल दोनों माइनर की प्रॉब्लम हैगी है तो ये चांसिस 25% चांसिस होंगे ने कि उन्होंने बेबी जोड़ा होगा वो मेजर होगा। और सर तुम थैलेसीमिया रोग जोड़ा है ये हर साल 10,000 जो बच्चे है इस तो जो है इनफेक्टिड होंगे ने। यह रोग जोड़ा है ये बहुत तेजी नाल फैल रहा है और इस रोग के लक्षण जोड़े है शुरू में नज़र नहीं आते हैं। थैलेसीमिया जोड़ा है ये रोग किसी भी बच्चे के जोड़े RBC होंगे रेड ब्लड सैल्स जिन्हों का जीवन काल की 90 to 100 दिन तक होंगे है यह जो जोड़ा बच्चा थैलेसीमिया तो प्रभावित है उसके जोड़े RBC होंगे ये 15 to 20 दिन तक ही जिंदा रहेंगे जिस करके उस बच्चे के सारे अंगों जी खून की सप्लाई है वो ठीक नहीं होती है और बच्चा 2 दहाकों के बीच ही जोड़ा है वो जो मेजर थैलेसीमिया तो प्रभावित है वो एक्सपायर हो जाता है। इस करके ये वास्ते जी जागरूकता है हर बंदे वास्ते बहुत जरूरी है। जिहड़ा बच्चा इत्थे मैं पल्ला सर तुहानूं पुछणा चाहांगा कि साढ़े नौजवानों विच खासकर यंग जनरेशन विच ते उन्हां दे पेरेंट्स ते टीचर विच एक बड़ी कमी पाई जा रही है कि प्रॉपर अवेयरनैस नहीं है, एजुकेशन नहीं दिती जा रही। ठीक है सर। तो बहुत सारे बच्चे नैचुरली कुछ समाज लई करना चाहते हैं पर उन्होंने टीचर उन्होंने दस नहीं रहे कि अवेयरनैस किस पॉइंट पर चाहिए है जिवें थैलेसीमिया माइनर ते मेजर की गल हैगी तो यह बड़ा हॉट टॉपिक है जिद उपर डिस्कशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रही। ठीक है सर। तो असी चाहवांगे कि जिस तरह महक जी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि थैलेसीमिया ते स्पैशल एजुकेशन ते स्पैशल चिल्ड्रन नू फोकस किया है तो ये फोकस जोड़ा है उन्होंने जोड़ा इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है तो ये इनिशिएटिव आने वाले टाइम के साड़ी यंग जनरेशन बहुत वड्डे लैवल पर अफेक्ट कर सकता है। तो मैं आस करांगा कि यह जी डिस्कशन ते यह जी प्लेटफॉर्म ते यह जी ब्लॉग वध तो वध महक जी अपने चैनल के थ्रू बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल के थ्रू प्रमोट करते रहन ताँ कि अलग अलग पतवंते सज्जन इस चैनल के उपर प्लेटफॉर्म ते स्टूडियो आन ते अपने विचार सांझे करके यंग जनरेशन नूं इक दिशा देन क्योंकि दिशाहीन हो चुके हैं। और सर मैं एक गल पूछना चाहूँगी तो कि जो मैं कैनेडा में अप्लाई किया है मास्टर फर्दर स्टडी बेसली तो कि मैं मेरा ये गैप तो नहीं शो होगा, मैं तो 4 साल लगाए एक्सपीरियंस करने तो कोई मैनू ये गैप तो नहीं कोई जब अज ही मेरी कॉलेज तो ऑफर लैटर आई है नर्दन कॉलेज तो जो मैं वीज़ा फाइलिंग रिन्यू कराँगी तो मेरा ये गैप तो नहीं शो होएगा। एक्चुअली तुम्हें प्लस टू तो बाद अप्रेंटिसशिप की है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उस तो बाद 2 ईयर का थोड़ा जूनियर असिस्टेंट के तौर पर चाइल्डहुड एजुकेशन का एक्सपीरियंस है तो जस्टिफाइड स्टडी गैप वो किसी भी पक्षों लैप्स नहीं होता वो जो स्टडी गैप है वो एक्सपीरियंस प्लस अप्रेंटिसशिप गिणा जाएगा। तो जो भी कैनेडा अंबैसी या कोई भी देश की अंबैसी जस्टिफिकेशन देखती है स्टडी गैप के अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो लैप्स हो जाता वो रिजैक्ट हो जाता वीजा स्टडी वीजा तो तुम 10 साल बाद भी अप्लाई करना चाहो तो यू विल डेफिनेटली गो थ्रू इट कोई चक्कर नहीं हो 10 साल का भी जस्टिफाइड जोड़ा है गैप वो चलेगा।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐੱਸ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਹੋਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ